कि केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं वो नहीं चाहते, आरएसएस वाले लोग, कि देश की तरक्की हो। जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रिक्शा चलाता है, जो नाला साफ करता है, जो झोपड़ी में रहता है, जो फुटपाथ पे सोता है, तो जब तक आप इनकी गिनती नहीं कीजिएगा तब तक तो आप सही दिशा में काम ही नहीं कर पाइएगा। ये हम लोगों का, बिहार के 12 करोड़ लोगों का अपमान है। ये हमारा कॉन्शियस डिसीजन था। ओबीसी का हवाला देते हैं, कितना ओबीसी मंत्री बना है, इतना ये किए वो किए, कहाँ है वो मंत्री और सांसद? और 40 में से 39 लोगों को, सांसद को जिताया बिहार की जनता ने, एनडीए को, क्या कर रहे हैं भाई? हमने ये देखा है अखबारों के माध्यम से कि महाराष्ट्र सरकार की जो मांग रही उस पे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पे एफिडेविट दिया है और ये कहा गया कि उनका कॉन्शियस डिसीजन है। छोड़ो, हटा पूरा, हो गया आवाज इसका, आवाज हमने देखा है, खुद देखा है इसको। और इसमें केंद्र सरकार ने जो महाराष्ट्र सरकार की जो मांग रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर के ये कहा है कि ये केंद्र सरकार का कॉन्शियस डिसीजन है, इस वजह से जो है जाति की जो जनगणना है वो नहीं होगी। देखिए अब एफिडेविट से बड़ा क्या हो सकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, यानी साफ तौर पे ये तय है कि केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं वो नहीं चाहते, आरएसएस वाले लोग, कि देश की तरक्की हो। कास्ट सेंसस जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में था, राष्ट्र हित में था, और इससे पहले भी अगर आप देखते रहे हैं तो सबकी गिनती हुई है, एससी एसटी की होती रही। क्यों होता है रिलीजन का, क्यों होता है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, क्यों होता है हम तो जानना चाहेंगे, कोई वजह होगी जिसके वजह से गिनती होती है। तो गिनती इसीलिए होती है ना कि भाई आपको जो रियल पिक्चर जो है देश का, कि उनकी क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, वो पता चले और उसी हिसाब से सरकार अपना कार्य योजना बनाए, बजट में प्रोविजन करे, योजना अलग अलग जो है कल्याणकारी योजनाएं वो लाए, इसलिए बनाई जाती है। सबको मौका मिले, सब आगे बढ़े, बराबरी हो, तो ये काम अब तक तो जो बजट बनता है कहां जा रहा है, नीचे तक तो पहुंच नहीं पा रहा, ये तो गरीबी तो खत्म हो नहीं रही। तो आखिर गरीब है कौन? जो मजदूरी करता है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रिक्शा चलाता है, जो नाला साफ करता है, जो झोपड़ी में रहता है, जो फुटपाथ पे सोता है। तो जब तक आप इनकी गिनती नहीं कीजिएगा तब तक तो आप सही दिशा में काम ही नहीं कर पाइएगा। रिजर्वेशन में किन जातियों को लाना है, नहीं लाना है, कितना रिजर्वेशन जो है बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, तो जब रियल पिक्चर आएगा तभी ना हो पाएगा। तो ये काम सरकार कॉन्शियस, मतलब क्या केवल बीजेपी डिसाइड कर देगी? उनका कॉन्शियस देश का कॉन्शियस हो गया? ये जो बिहार विधानसभा 2 बारी जो पारित हुआ, ये हम लोगों का, बिहार के 12 करोड़ लोगों का अपमान है। ये हमारा कॉन्शियस डिसीजन था। इससे बिहार की तरक्की होती, भलाई होती, या जो राज्य और जो पार्टियां जो मांग कर रही है, क्या हम लोग देश की तरक्की नहीं चाहते? मतलब बीजेपी जो तय करेगा वही होगा, उनका कॉन्शियस डिसीजन होगा, लेकिन देश का जो सेंटिमेंट, जो 80-90% लोग जो चाहते हैं कि गिनती हो, उनके कॉन्शियस का क्या, उनके कॉन्शियस का क्या? तो इसको लेकर के तो भाई हम लोग सभी, अभी 4 बजे हमारी महागठबंधन की बैठक भी है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो किसान आंदोलन जो हो रहा है 27 को जो बंद है, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और हम जो है पत्र जो है अपने जितने भी सहयोगी दल हैं या लाइक माइंडेड पार्टीज हैं देश भर में, हम पत्र भी सभी लोगों को लिखने का काम करेंगे कास्ट सेंसस को लेकर।
इसपे तो इसपे आप देख लीजिए ना, डबल इंजन की सरकार क्या है, है ना? किस बात की डबल इंजन की सरकार भाई, किस बात? सामाजिक न्याय मंत्रालय का अब क्या, अभी अब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट हो गया, अब क्या मतलब रह गया भाई? लालू जी कह रहे हैं अब वही बहिष्कार करेंगे, एकदम। आप बताइए ना, ओबीसी का हवाला देते हैं, कितना ओबीसी मंत्री बना है, इतना ये किए वो किए, कहाँ है वो मंत्री और सांसद? और 40 में से 39 लोगों को, सांसद को जिताया बिहार की जनता ने, एनडीए को, क्या कर रहे हैं भाई? होना ही चाहिए। क्या करेंगे आप?